गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पद्मिनी, माँ कहाँ है? वो क्या है ना भाई, आज बड़ी माँ का बर्थडे है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा रेडी होने में। वैसे सबको याद है ना, अभी माँ को कोई विश नहीं करेगा और ना ही सरप्राइज पार्टी के बारे में कुछ बताएगा। यस बॉस। अच्छा सुनो सुनो, हम सब ना बड़ी माँ को शाम को साथ में विश करेंगे, वो सरप्राइज हो जाएंगी। और हाँ, उनको तो पता भी नहीं होगा कि आज हमने उनके लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। यस। माँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी साहब। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। अब सब लोग यहीं पर हैं, हम यहीं आ रहे थे। भाभी साहब ये लीजिए, पूजा शुरू कीजिए। लीजिए। अब लीजिए। क्या बात है, आज हमारा जन्मदिन है और किसी ने हमें विश नहीं किया। बाकी सब तो ठीक है, पर विराज और सितारा को भी याद नहीं क्या? सितारा जी, आप कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं रानी माँ, कुछ नहीं, पूजा का सारा सामान यही है। हाँ बड़ी माँ, पूजा शुरू करें, देर हो रही है। हाँ एक बात कहूं माँ? कहिए ना। आप जानती हैं, आपके हाथ से प्रसाद लेने के लिए मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, बस सच में। आई अग्री बड़ी माँ, वरना भगवान जी की पूजा तो थोड़ी लेट भी की जा सकती है, इतनी सेटिंग तो है हमारी भगवान जी के साथ, क्यों भैया? बिल्कुल। बहुत बदमाश हो गए आप दोनों। माँ वो लगता है सब आज की तारीख भूल गए हैं, हम ही याद दिला देते हैं। अब यामिनी, आज तारीख क्या है? आज क्यों? नहीं मतलब वो आप कह रही थी ना कि 24 तारीख को आपको आश्रम जाना है कुछ दान देने के लिए, तो हाँ भाभी साहब, मैं तो भूल ही गई थी। पर भाभी साहब उसमें तो अभी देर है, आज तो 21 तारीख है ना। या आज 21 तारीख है? ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकता हूँ। एग्जैक्टली सम्राट। मॉम, अरे आज तो वो सुपर हीरो वाली मूवी लगी है ना, वो मुझे जाना था अपने दोस्तों के साथ। या सॉरी भाभी साहब, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। आप लोगों को पता है ना कि आज का दिन बहुत ही खास है। ऑफ कोर्स याद है। आज का दिन कोई कैसे भूल सकता है, आज का दिन सबको याद है। आज ही के दिन तो हमारे नए बिजनेस की शुरुआत हुई थी। एग्जैक्टली। अच्छा आज बिजनेस की शुरुआत हुई थी? हाँ चाचू, बिजनेस बिजनेस से मुझे याद आया, आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। चाचू आप आओ मेरे साथ, आप आओ ना, मैं बताता हूँ।
माफ कीजिए रानी माँ, आज के दिन आपको ऐसे उदास कर दिया सबने, पर ये उदासी ज्यादा देर तक नहीं है। हमारा तोहफा मिलते ही खुशी से भर उठेगा आपका दिल, और मैं तो आपके लिए स्पेशल फ्रूट केक बनाने वाली हूँ जिसे खाकर ये सारी उदासी छू मंतर हो जाएगी। सबसे पहले फ्लावर, फिर शुगर, अब इस घोल को 15 मिनट ओवन में रखना है, उसके बाद आइसिंग और क्रीम लगाकर दोबारा बेक करना है। मैं सोच ही रही थी कहां रह गए तुम। पता है हर साल मैं ये केक अपनी मां के जन्मदिन पर बनाती थी, लेकिन उस रिश्ते में सिवाय जहर के मुझे और कुछ नहीं मिला। माँ की ममता का एहसास क्या होता है वो मुझे रानी माँ ने बताया। उम्मीद है कि ये केक हमारी जिंदगी में सिर्फ मिठास भरेगा। सही कहा था आपने दीदी, कि केक बहुत अच्छा बना लेती है। उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ इस बार ये केक मीठा नहीं जहरीला होगा। जहरीला क्योंकि दोनों सास बहू की आज ये जहरीला केक खा खड़ी होगी। दोनों की कहानी हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और दीदी अगर ये लोग जहर से मर जाएंगे तो सीधा शक तो हम पर ही आएगा ना। नहीं, क्योंकि इन दोनों की मौत विषकन्याओं के जहर से नहीं किसी और जहर से होगी। इन दोनों की मौत इस फल के जहर से हो। फल के जहर। दीदी ये कौन सा फल है और ये आपको कहां से मिला? फल खाओ सुरीली, पेड़ मत गिनो। बस इतना समझ लो कि इस जहर से भरा केक खाते ही उन दोनों की मौत निश्चित है। लेकिन दीदी ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो इस फल की खासियत है अलबेली, ये फल अपना काम भी कर जाएगा और पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। बस आज ये केक खाते ही दोनों सास बहू की कहानी हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कौन है वहां? अब इस जहर से तुम्हारे केक में आएगी असली मिठास, असली मिठास। अब देखती हूं मेरी प्यारी सितारा, मेरी इस चाल से तुम कैसे बचती हो। कौन था बाहर? पता नहीं कौन छुप छुप के मुझे देख रहा था। मैं भी ना इन चक्रों में पड़ के अपना असली काम ही भूल गई। क्या बात है, आज अपनी सासू माँ को इंप्रेस करने के लिए इतनी मेहनत हो रही है।
पर कोई फायदा नहीं है इसका सितारा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस घर में तो अंत तक मैं ही टिकूंगी। सोचने का टैक्स नहीं लगता हरियाली, सोचो जो सोचना है सोचो, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जो सच का साथ देगा। जाओ जाओ, जाकर आराम करो। वैसे भी इस घर की बहू तो मैं ही हूं ना। इस घर में आए सारे मेहमानों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। और वैसे भी मेहमानों से घर का काम थोड़ी ना करवाऊंगी मैं, आखिर उन्हें थोड़े दिनों में वापस जाना ही है ना। We'll be right back.